और का जलता बने जा रही, जलता का खे है, जलता बोधी खे है। नमस्कार, मैं हूं गुलजार अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के तहसील भोगांव के ग्राम पूरनपुर में। हमारे साथ यहां कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा का ये महासंग्राम होने जा रहा है, कौन बनेगा दिल्ली का सुल्तान, कौन होगा 2019 का प्रधानमंत्री, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। 5 साल भाजपा सरकार के पूरे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं, क्या जनता उन विकास कार्यों से खुश है। तो आइए बात करते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि इस बार जो है देश का प्रधानमंत्री कैसा चुनना चाहेंगे। जी बताएं। बढ़िया चुनना चाहिए जैसा राहुल है। प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी जी ने तो सब नुकसान कर दिया है। खाद की बोरी 1500 रुपए कर दी, उसमें 5 किलो कम कर दी, यूरिया भी 5 किलो कम कर दी, गैया भैंसिया वे ढील नहीं, पबुए सरसों सब बर्बाद कर दी, गेहूँ बर्बाद कर दिया, कोई लाभ नहीं, नुकसान के अलावा सब हानि आने हैं, नुकसान ही नुकसान हुआ, सब पूरा नुकसान ही है। लेकिन मोदी जी ने तमाम विकास कार्य कराए, स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किसानों को 2000 रुपए का जो है वो दिया है। बेकाऊ को 2000 आइए, काउ को ना आइए, कहाँ 2000 सबके आइए, 15000 देने के लिए कही दे, काउ को 2000 आइए, काउ के जैसे गांव में आबादी 3 जगह है तो 50 आदमी ने जाइए, बकिया की सबके डरे। अच्छा, काउ नहीं आए। अब सरकार ये कहती है कि अब तो ये वो लगी आचार संहिता लगी, अब नहीं आ पाएंगे, ये वो दुनिया की बात करती है, सब फसल में पूरा नुकसान ही है, पूरा नुकसान है। तो क्या लगता है मोदी जी की वापसी होगी? बिल्कुल होगी, होगी। प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। आप तो कह रहे वापसी होगी? नहीं, प्रधानमंत्री चले जाएंगे। अच्छा, अच्छा, कैसा प्रधानमंत्री चुनना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री राहुल जैसा, राहुल जैसा। हाँ, राहुल में ऐसा क्या आपने देखा जो आपको राहुल गांधी पसंद है? राहुल गांधी में एक ऐसा देखा कि वो किसी की जात पात का प्रधानमंत्री नहीं है जी, एकात्मक शासन करता है, छोटे बड़े सब समान मानता है, सब सब समान चलता है। इन्हें तो सब पूंजीपति बनाई, पूंजीपति बना दिया। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। कैसा देश का प्रधानमंत्री चुनना चाहेंगे? हमारे देश का प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश जी जैसा हो, राहुल गांधी जी जैसा हो, और जो हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं जी, उन्होंने जितना गाय पे और नदी की सफाई पे जितना ध्यान दिया, अगर किसान की तरफ इतना ध्यान देते तो जी हमारे जो गेहूं खा रही है गैया, जिन कम से कम इनसे बचाव हो। लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है, त्याग कर रहे हैं, कर्जा बढ़ रहा है, नोटबंदी से किसान के ऊपर पूरी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई, सब लाइन पे लगे रहे, दो दो एक महीने तक नोटबंदी रही, कैसे किसान ने गुजारा किया, किसान परेशान रहा, बड़ा आदमी नहीं, छोटा आदमी परेशान रहा, छोटा आदमी परेशान है, मतलब पूंजीपतियों का, पूंजीपतियों की सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार है, ब्राह्मण और ठाकुरों की सरकार है, ये हमारे गरीब जनता की सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार नहीं है, पूंजीपतियों की सरकार, पूंजीपतियों की सरकार, पूंजीपतियों जी। क्या कहना आपका? प्रधानमंत्री मोदी को तो बंद नहीं है, ये तो देश में इसने तो बिल्कुल किसान को मारी के रख दिया है जी, बिल्कुल, मतलब नोटबंदी से आदमी परेशान हो गया, उसकी बात खाद लेने में परेशान हो गया, हर बात से परेशान रख दिया। आलू खरीदने का वो आलू किसी ने खरीदने का वो भी नहीं लिया, वो किसान का खेतों में डरा रह गया, तो किसान कैसे जिएगा? और किसानों के लिए मोदी जी 2000 दे रहे हैं, अब किसी को नहीं मिला। अच्छा, किसी को नहीं, कहूँ 100 में 5 को मिला होगा तो क्या मिला, आप ऐसे मरा लो 100 में 5 को वे 0% में भेज रहे, कहूँ किसी में भेज रहे, कहूँ किसी को, किसी में पैसा नहीं किसी को भेजा है, कोई वे तो झूठा बात। 5 साल में कोई नौकरियां नहीं थी किसी प्रकार की, कि नौकरी निकल रही है, जो भी नौकरी जब भी तैयार, जब पूरी परीक्षा हो जाती है उसके बाद पर्चा लीकेज हो जाता है, झूठे जुमले खड़े हैं, झूठे जुमले टोटली जी जी जी। क्या कहना चाहेंगे? झूठे जुमले नहीं चलेंगे, अब जो हम चाहते हैं प्रधानमंत्री हमारा जो है राहुल जैसा हो जी, जी राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए जी, जी। लेकिन मोदी जी ने तमाम योजनाएं चलाई हैं, झूठे जमले हैं, उससे कुछ नहीं होना, विकास कार्य किए हैं मोदी जी ने, कुछ नहीं, कोई विकास कार्य नहीं, किसानों को 2000 रुपए दिए, किसान को सड़क कर दिया है भाई, स्वच्छ भारत, स्वच्छ कुछ नहीं, कुछ नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कुछ नहीं है, रोज अत्याचार होता है, डेली अत्याचार होता है, न बेटी बचती न पढ़ती है, कुछ नहीं। अच्छा, और क्या मोदी जी की वापसी होगी? वापसी बाबा जी के सरकार में बलात्कार, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अगले सरकार में नहीं बनेंगे।
अच्छा हाँ, किसान को साथ और लोग मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि बब्बा इस बार जो है कैसा देश का प्रधानमंत्री चुनना चाहेंगे? राहुल जैसा। और राहुल में ऐसा आपने क्या देखा? सब बातें देखी, सब बातें देखी। पहले की बात, पहले चलते रहते थे, चलते हैं। अच्छा, तो राहुल को तो जो है विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि पप्पू हैं। विपक्ष के तो कहीं हैं, वो तो खाते हैं। अच्छा, दूसरे फ्राई करिए रहे। अच्छा, क्या लगता है आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? क्यों, उसने सब सुविधा की है, किसान कर्जा में मोदी ने 15,000 खाते में डालेंगे, ये भी नहीं डाला। 15,000 नहीं, 15 लाख की बात, 15 लाख खाते में नहीं डाला, 0.5 सब खुलवा दिए, सब झूठा है, ये सब झूठा है। हाँ, नौकरियां दी हैं? कुछ नहीं दिया उसने, नहीं दिया, नहीं दिया नौकरियां। आलू महंगा करेंगे, किसान को फुटपाथ कर दिया है, लगी वो भी करा गए, ये सब झूठा है। राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, लेकिन मोदी जी कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। दो मर गए, कुछ नहीं मारा, ये सब पुतले जलवा दिए। एक को तो बोला सिर दिखाते, झूठा बवाल है, पाकिस्तान यार स्ट्राइक किया है। हाँ, झूठा बवाल है, सब सब झूठा है। और क्या, एक को तो दिखाते मरो, वो कोई नहीं दिखाया, कहाँ दिखाओ, किन्हें दिखाओ? लेकिन सबूत मांगने वालों को तो देशद्रोही करार दिया जा रहा है। 42 जमान चले गए, पूरा शोक मनाए रहो, तुम झूठे झूठे यहाँ ड्रामा कर रहे हो। मोदी का जो है वो, लेकिन मोदी जी ने इस देश के लिए 5 साल मोदी जी का कार्यकाल पूरा हुआ है, कहाँ जी सब झूठे वायदे है। एक और वायदा अगर उन्होंने पूरा करो, मोदी जी ने अनिल अंबानी किया उन्होंने, जी अनिल अंबानी किया उन्होंने सब, अनिल अंबानी करी मतलब पूंजीपतियों की सरकार रही, उन्हीं किया सब, पंडितों किया उसने, क्या किया, कुछ नहीं किया उसने, गरीबों को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, गरीब 2,000 किसान खाते में आएंगे वो भी नहीं आए, दूसरे को आप दोष लगाए रहे। लगता है सरकार फेल साफ फेलियर साफ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो क्या वापसी होगी मोदी जी की? बिल्कुल बिल्कुल होगी, मोदी जी वापस आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे, राहुल गांधी बनेंगे। तो आप देख रहे हैं लोगों की यहाँ पे क्या प्रतिक्रिया आ रही है, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, एक हमारे साथ बुजुर्ग जुड़े हैं, मैं इनसे भी जानना चाहेंगे। 2019 का ये महासंग्राम होने जा रहा है, 2019 के इस महासंग्राम में किसको आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? बता जल्दी। देश का प्रधानमंत्री वो हो जो देश का हित करे, हित करने वाला ना हो, कोई चोरों को भगा रहा है, नीरव मोदी को भगा रहा है, माल्या जो उनका राज्यसभा सांसद था उसे भगा रहा है भाई। उसके बाद जेटली कह रहे हैं अपनी बैंकिंग व्यवस्था करिए, और आप चुपचाप चले आए। अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे उसके सामने जब बात हुई थी तब कहा मर गए पहले, क्यों नहीं पकड़ा गया? लेकिन मोदी जी ने तो तमाम विकास कर दिया। क्या विकास किया बताइए? मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं मेरी बात सुनिए, आप जो कह रहे मोदी जी ने चलाया योजना, मेरी बात सुनिए, बेटी बचाओ, उन्नाव का विधायक जी एक लड़की से रेप कर रहा है, सोवार योगी से फोन कर रहा है, ठीक है, और जब वो करते करते थक गया तो उसके बाप को लेके मरवा दिया गया, तब क्या योगी और मोदी मर गए थे क्या, कहीं थे कि नहीं देश में? जी। दूसरी बात, तीन तलाक, तीन तलाक जो बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया है, तीन तलाक नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम महिलाओं से अन्याय नहीं, लेकिन मोदी जी ने कौन सी तलाक की है? जी मोदी जी ने कौन सी तलाक की जो अपनी और पत्नी को छोड़कर आए हैं? दूसरी बात, बिना तलाक के छोड़ आए हैं। दूसरी बात, राम भक्त हैं जी, अयोध्या में राजा राम पैदा हुए, ये सत्य है, ईश्वर एक है, गॉड इज वन जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा गीतांजलि, गॉड इज गॉड इज नॉट लिव लोनली कॉर्नर ऑफ द टेम्पल स्टैचू आई गोल्ड्स जी। सो जब गॉड एक लोनली कॉर्नर में नहीं रह सकता है तो राम भगवान जब एक है तो दुनिया के मालिक है, एक मंदिर के मालिक है। लेकिन रामलाला तो आज भी त्रिपाल में है। मेरी बात सुनिए, जो मैं कह रहा हूँ जिसकी एकता की, और पुरुष महान पुरुष तो त्रिपाल में रह सकते हैं, जमीन पे रह सकते हैं, ऋषि मुनि हमेशा कंदराओं में रहे हैं, कभी महलों में नहीं रहे, आज के मंडलेश्वर एसी में रह रहे हैं, उन्हें मंडलेश्वर नहीं कहना चाहिए। तो आपका ये जो आपका जो आरोप लग रहा है ये किसके ऊपर माना है, क्या साक्षी महाराज के ऊपर आरोप लगा रहे? साक्षी महाराज कोई बाबा है, सरटे आपने देखा था, मैं फरुखाबाद में क्या हुआ था, वो इटावा एटा में क्या हुआ था, उदयपुर में क्या हुआ था, आप जानते थे, आपने जाना था इस बात को? नाव के सांसद है साक्षी महाराज। साक्षी महाराज एटा में क्या किया था, उदयपुर में जी रेप लगे तुम रहे, आप जनता को बताइए क्या किया था, किन्ने जनता सब जानती है, जनता कौन नहीं जानती भाई देश का हित। अच्छा एक बात बताइए आप, हम बता रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियां हैं, जातिवादी कौन पार्टी, बिना जातिवादी कौन पार्टी? आज के पेपर में योगी जी ये कह रहे हैं कि देश का जो भी है गुंडागर्दी और दोस्त रोई उन्हें
मर जाना चाहिए, मार देना चाहिए, या तो उन्हें मार दीजिए। और देश की सत्ता कितने लोगों परसेंट के हाथ में, 18-20 के हाथ में, 80% तो आउट ऑफ दी कंट्रोलिंग है। कोई भी विधायक बने, कोई एमपी बने, कोई मिनिस्टर बने, केवल 18-20% ही सत्ता में रहता है। 100 में 40% वोट नहीं पड़ते हैं जी। और जब 60 पर रह गए उसमें कोई 15 ले, कौन 16 ले, कौन 13 ले, 14 रहे, और एक रही हो 19-20 वालों को जीती हो, वो जो सबको सब मालिक, बकिया लोग कहाँ जाएंगे। क्या लगता है 2019 का ये महासंग्राम जो हो रहा है इसमें सपा बसपा जो है वो गठबंधन करके उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ रही है, तो आपका क्या मानना है कितनी सीटें लेकर आएगी सपा बसपा का ये गठबंधन? लगभग 45-50 के लगभग जाएगी, 50 सीटें और क्या। यानी मोदी जी को नुकसान होगा उत्तर प्रदेश? मोदी जी ने क्या किया जय बताओ, हम कह कार्य करो का मोदी जी ने, हम सब मोदी जी की जय। मोदी जी, किसानों का कहना है कि जो गाय हैं वो फसल को बर्बाद कर रही हैं, भाई करोड़ों रुपए खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने तमाम गौशालाएं बनवाई हैं। किन के लिए, किन के लिए बनवाई? वो जो उनके लाल दुपट्टे वाले गौ रक्षक बने हुए जी, उनको पैसा खिलाने के लिए रास्ता बनाई गई। अच्छा, और बताइए गाय कौन को चारा दे रहे, कौन वो गाय रख रहे हैं, एक ही बताइए आप। मतलब उसमें भी घपला हो रहा है, घपला टोट, अरे बताइए आप तो मीडिया में किस चैनल से आप जो बताए मुझे पहले? नहीं, हम तो जिस चैनल से, हमारा सीआईबी इंडिया न्यूज का चैनल है, इंडिया न्यूज से जी। तो मेरा कहने का मतलब आप भी जानते हो गाय रोड घूम रही है जी, चारा कितने खिला रहे गौरक्षक दुपट्टा लेके उदम मचा रहे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान जी, चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान, मुझे इससे लेना देना नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान 95% हिंदू है जी। आज से 15वीं-16वीं शताब्दी जाइए, चाहे औरंगजेब ने किया हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया हो, चाहे स्वतः परिस्थितियों बस बने हो, लेकिन हिंदू से मुसलमान बने हैं जी। क्या वो हिंदू मेरे नहीं है? क्या हिंदुस्तान का वासी हिंदू नहीं है? हिंदुस्तान का वासी नहीं वो है? बिल्कुल हिंदुस्तान का वासी है, उसे कहाँ निकाल के करेंगे आप, हम ही आप बता रहे हैं। दूसरी बात, मांस वाली बात चल रही है, जब हम अनाथ काल में थे, जंगलों में घूम रहे तो कच्चा मांस खा रहे, तब क्या कर रहे थे जी, तब क्या जैसे रहे? जैसे आदमी को सुधार हुआ उसने अच्छा किया, नहीं खाता। अब हम अगर किसी और को सुधारेंगे तभी तो बचेगा कि इसका मांस नहीं खाएगा। अच्छा, एक चीज हमारा आपसे सवाल लेंगे, एक और सवाल पूछना चाहेंगे। अभी जो है मोदी जी का कहना था कि देश सुरक्षित हाथों में है, वहीं रक्षा मंत्रालय से राफेल की फाइल भी चोरी हो चुकी है। मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय जो कि देश का एक अहम मंत्रालय है जहां से राफेल की फाइल चोरी हुई है, क्या वाकई में देश सुरक्षित हाथों में है? हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जी, कि देश सुरक्षित उस दिन था जिस दिन कांग्रेस की सत्ता में दो सिर काटे गए थे, पाकिस्तान ने काटा था जी, ठीक। तो मोदी जी ने कहा था कि हम एक के बदले 10 सिर लाएंगे, और आज आर्मी गरीबों के बच्चे कट रहे हैं, जनता किसी नेता का बच्चा नहीं कट रहा है, न किसी व्यापारी कट रहा है, न किसी पूंजीपति कट रहा है, केवल गरीबों कट रहे जिनके पास पैसा नहीं, गई आर्मी घुसिए और मर गए, बल्कि बकरा बना दी गई। क्या वापसी होगी मोदी जी की? अब मोदी जी की वापसी हो या जैसे ईवीएम में घपला हो तो कुछ भी करें। ईवीएम में घपला हुआ? घपला नहीं हुआ था, जहाँ मोमडन पर, जहाँ फिरोजाबाद में एक सीट पे, जहाँ पे टोटल उसने वोट डाले अपने, उसका एक वोट भी नहीं निकला, तब क्या नहीं निकला ना, घपला हुआ था ईवीएम में। इस बार भी क्या उम्मीद है ईवीएम में घपला होगा? अब ये तो आज का हिंदुस्तान अब आपका ये है, चैनल कहाँ चल रहा है, कितना नेट पे जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, तो आप जानते हैं कि मेरे मुंह से बात सुन के यही रोक रहे हो कि ऊपर जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी आएंगे या जाएंगे? मोदी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे मोदी जी, आएंगे कभी नहीं आएंगे मोदी जी, आएंगे जाएंगे कभी नहीं, कभी नहीं मोदी जी आएंगे जाएंगे कभी नहीं, मोदी जी आएंगे जाएंगे सपने भी ना है, सपने में भी नहीं है। क्या लगता है मोदी जी आएंगे जाएंगे? क्यों? अरे भलो ना जी, जी खाद महंगी है, मात्रा कम जी, सांड गईया छोटी खेत खाए रही। अच्छा, जीएसटी का प्रभाव पूरा, बल्ब लेन जाओ महंगा मिलेगा जी, तो ये सब किसान के तो विपरीत पूरा काम मिल रहा है, किसानों के खिलाफ काम किया सर। हाँ, किसान कोई सुविधा नहीं, इसलिए रो रहा है किसान। दो दो हजार रुपए भी तो दिए हैं मोदी जी ने, 2000 ये वोट के लिए अभी लालच डाल दिया, 2000 क्या भला होगा, खेत गईया खाए रही, सांड ढीले पाए खाए रही, आयल नहीं किसी के, किसी के भी नहीं आई, दो दो हजार काउ की माई नहीं आए, नहीं आए मोदी जी, आएंगे जाएंगे नहीं आएंगे, आएंगे जाएंगे सपने भी नहीं आएंगे जाएंगे। एक ना तो किसान मेट दो, अब की तय का दुनिया मिटेगा, आलू बिछरा रहो, आलू की बात होती है। अच्छा, और का जलता बनी जा रही, जलता का खे है, जलता बहुत ही खे है। आपने देखा लोगों की क्या है, क्या प्रतिक्रिया है, लोग यहाँ बता रहे हैं कि जनता परेशान है, किसान परेशान है, गाय सारे खेत खा गई हैं,
दो दो हजार रुपए का जो लालच दिया गया है जो केंद्र सरकार द्वारा, वो एक प्रलोभन है चुनाव को देखते हुए। और इसका जो है उससे 2000 से भला भी क्या होगा, 2000 से किसानों का कोई भला नहीं होने वाला है। हमारे साथ बने रहिएगा, हम लगातार आपको चुनाव की 2019 लोकसभा की अपडेट दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा CIB इंडिया न्यूज पर गुलजार अहमद के साथ। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।